ओके तो मेसोलिथिक का जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं दो तीन चीजें. पहली बात क्या है कि इसे ट्रांजिशन फेज. पहली बात क्या है, ये क्या है, किसके किसके बीच का ट्रांजिशन फेज है बिटवीन. पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक का, ठीक है, तो जहां की कंप्लीटली हंटर गैदरर सोसाइटी था वहां से हम क्या बनने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी बनने जा रहे हैं. तो इस फेज में ट्रांजिशन फेज में तुमको एक्सपेरिमेंटेशन मिलता है. क्या मिलता है, एक्सपेरिमेंटेशन. किस चीज से, डोमेस्टिकेशन का. एक्सपेरिमेंटेशन मिलता है तुमको किसी का, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट. तो ये तुमको मिलता है. ये सोसाइटी हालांकि हंटर गैदरर ही थी, प्रेडोमिनेंटली हंटर गैदरर थी. एग्रीकल्चर इन्होंने लार्ज स्केल पे शुरू नहीं किया था, बट दे वर एक्सपेरिमेंटिंग. ठीक है, एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया था कि हमको जो है कुछ कुछ पेड़ वेड़ लगा रहे हैं, कुछ कुछ जानवर पाल रहे हैं, देख रहे हैं कैसा सिस्टम वर्क करता है. ठीक है, तभी इसके बाद स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा नियोलिथिक. ठीक है, दैट इज वन थिंग. दूसरा, इस समय का टूल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टूल प्रेडोमिनेंटली कैसा था, माइक्रोलिथ, बहुत इंपॉर्टेंट था. माइक्रोलिथ मतलब स्मॉल साइज टूल. स्मॉल साइज टूल क्यों आया था, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंज हुआ था. क्या हुआ था, वार्म एंड वेटर हो गया था, उसके कारण क्या हुआ था कि ग्रासलैंड स्प्रेड सब जगह हो गया था. इवन जो ऑक्यूपेशन था वो भी क्या हो गया, इंडिया में रैपिडली फैला. पहले कुछ कुछ साइट्स में पैलियोलिथिक में लोग थे, बट अब क्या था, लोग जो है रैपिडली फैल गए पूरे इंडिया में. ठीक है, जानवर का वेराइटी, प्लांट का वेराइटी चेंज हो गया. फिशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बन गया. फिशिंग का इंपॉर्टेंस पहले उतना नहीं था पैलियोलिथिक में, बट इस फेज में क्या हुआ, फिशिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ गया. छोटे जानवर आ गए, छोटे जानवर को मारने के लिए तुमको बड़ा बड़ा टूल नहीं चाहिए. तो इसके कारण क्या हुआ कि माइक्रोलिथ्स आ गए, यानी कि जो कि 1 से 7 सेंटीमीटर के बीच में, 1 से 7, 1 से 5 कुछ भी आया, दैट इज फाइन. छोटे छोटे टूल्स आ गए, इनको तुम क्या करते थे, डंडे पे लगा दिया, हड्डी पे लगा दिया, बोन एरो का यूज होने, एरो का यूज होने लगा, बोन एरो का यूज होने लगा. ये सारे चेंजेस तुमको कब दिखते हैं, माइक्रोलिथ. ठीक है, वेदर, क्लाइमेट चेंज, ये तो ऑलरेडी बोल चुका हूं. क्लाइमेट कौन सा आ गया था, होलोसीन आ गया था. पहले पहले कौन सा था, आइस एज था. आइस एज से हम लोग किस में बदल गए, होलोसीन में, राइट. तो क्लाइमेट चेंज दिखता है और उसका आंसर. एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि उस वक्त का क्लाइमेट जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो आज के क्लाइमेट की तरह एग्जैक्टली नहीं हो. इवन हड़प्पा का क्लाइमेट हम प्रेडिक्ट जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली आज का जैसा वहां का क्लाइमेट हो वैसा नहीं होगा, जरूरी नहीं कि वैसा हो. ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट, काफी लंबा समय है, राइट. तो क्लाइमेट उस हिसाब से चेंज होगा. तो क्लाइमेट क्या हो गया, वार्मर एंड वेटर हो गया, माइक्रोलिथ्स यूज हो रहे थे और ट्रांजिशनल फेज था जहां की यू फाइंड सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट. ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स में अगर देखोगे तो कुछ तो पुराने कंटिन्यू हो रहे हैं, जैसे कि पाटने, बेलन वैली, भीमबेटका. ठीक है, तो उनके बारे में जो भी कल्चर के बारे में पढ़ाता है, ऑस्ट्रिच बीड्स, पेंटिंग वेंटिंग सब यहाँ भी चापते हैं अगर पूछ दिया तो. इस पीरियड का स्पेशलाइज अगर कहोगे सराय नाहरा, प्रतापगढ़, मिर्जापुर. ठीक है, ये सब टेक्निकल है तो यहाँ. ठीक है, इसके साथ उनको मेडिकेटिव भी करते हैं.